हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो कल हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का कैसे भरते हैं, और पहले वर्ग की हम बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे सेकंड वर्ग की। ठीक है, तो पहले वर्ग के अगर तत्वों को आपको याद करना है तो उनकी एक ट्रिक होती है स्टूडेंट, हेली ना की रब से फरियाद। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये जो आपके पास फर्स्ट वर्ग के जो तत्व हैं इनको याद करने का एक तरीका है, कैसे याद करोगे? इसको बोलोगे हे, इसको बोलोगे ली, इसको बोलोगे ना, इसको बोलोगे रब, हे ली ना, इसको बोलोगे की, इसको बोलोगे रब, इसको बोलोगे से, और इसको बोलोगे फरियाद। कैसे याद करोगे? हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ग जो होगा सेकंड ए वर्ग की, और ये किसका होगा क्लास में? एस ग्रुप का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड ए वर्ग जो होगा इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या होगा हमारे पास में? वो होगा एन एस टू। मतलब कि जो एस कोष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? दो जाएंगे आपके पास में। तो इसकी जो संयोजित इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास में? दो हो जाएंगे। मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपके पास में? इसकी दो हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। और प्यारे बच्चों, जब भी किसी तत्व को लिखते हैं उस तत्व का जो पहला अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला क्रम जो होता है, यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, ये जो होगा ये हमेशा आपके पास में बड़ा होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा आपके पास में? स्मॉल होगा। मैंने जितने भी लिखे हैं देख लो, पहला तो आपके पास में दिया हुआ है वो बड़े अक्षर में दिया हुआ है, दूसरा कैसे दिया हुआ है? छोटे अक्षर में दिया हुआ है। अगर आपके पास में ऐसा मिलता है कि दोनों के दोनों हमारे पास में कैसे मिल जाएं? बड़े अक्षर मिल जाए, तो इसका मतलब ये तत्व ना होकर ये हमारे पास में कोई एक यौगिक दिया गया है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या होगा? इसको याद करने का तरीका हमारे पास में है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि बेटी मांगे कन्या सुंदर बाप राज, सॉरी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज, या फिर बोल सकते हो बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राज। तो जैसा आप याद करना चाहें ऐसे लिख सकते हो, बेटी मांगे कर बाप राजी, इसको आप ऐसे निराद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो यहाँ पर वही है, इनका परमाणु क्रमांक होगा जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन था, फिर कौन आया? लिथियम। तो लिथियम हमारे कौन आता? बेरिलियम आता है। तो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा हमारे पास में। ये कौन होता जाएगा हमारे पास में? बारह। ये कितना हो जाएगा? बीस। यहाँ पर हमारे पास में जो था वो 37 नंबर था, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा हमारे पास में? 38 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 38 था, यहाँ पर हमारे पास में 55 आ रहा था, 55 आकर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना था? 87 से कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। इतना सा करना है। आज हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा हमारे पास में? 1s2 2। देखो इसके पास में लिथियम जो हमारे पास में था उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास में? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन तीन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? चार हैं। तो हम क्या बोलेंगे? 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? टू जा रहे हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? Ns2। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? दो जाएंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इसका बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, और यहां पर आएगा 5s2। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2
5P6 और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास में 6S2। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर ये 4 6 10 हो गए, 10 आपके पास में 18, ये आपके पास हो जाएंगे 28 28 2 30, 30 से कितने होते हैं 36, 36 से 10 कितने हो गए 46, 46 से 2 48, 48 से 54, 54 से 2 56, हमें चाहिए कितने थे 56 चाहिए थे। ठीक है, अब लास्ट बचा है इसका हो जाएगा 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 4P6 4D10 5 sorry 4D10 और आएगा 4F14 क्योंकि F ब्लॉक के तत्व भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास में 5S2 5P6 5D10 फिर हमारे पास में आएगा 6S2 6P6 और यहाँ पर आएगा 7S1 7S2। देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 4 6 10 12 18 28 30 36 46 46 14 कितने हो गए हमारे पास में 62, ये हो गए 68, ये हो गए 78, उसके बाद में हो गए 80 80 6 86 2 88, हमें चाहिए कितने थे 88 चाहिए थे। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे भयतम कोष का मतलब होता है जिसमें एन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। अब देखिएगा यहाँ पर जो एन दिया हुआ है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर इन दोनों में देखें तो ये ज़्यादा है, 2 हो गए, इसमें कितना ज़्यादा है 3, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 5, बाकी से पहले सारे क्या है छोटे हैं, इसमें देखो 6, बाकी सारे क्या आपके पास में कम है, इसके बाद कितना है 7 है। तो भायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और यहाँ पर जो आपके पास में भायतम होगा वो कौन कौन से होंगे, 2s2 ये हो गया आपके पास में, ये वाले हो जाएंगे। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास में, 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिखा यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे और सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2 होगा। और इस वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ठीक है बच्चों, बाकी बातें हम करेंगे कल की क्लास में।